मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो खजुराहो पन्ना क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने दल बदला है। शाहपुरा अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 21 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अशोकनगर जिले के अजय सिंह यादव ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है, साथ ही उनकी माता बाई साहब यादव ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही बाई साहब यादव और जबलपुर के सिहोरा से एकता ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की है। विधानसभा प्रत्याशी भी एकता ठाकुर रही हैं। इसके अलावा कटनी के सुजीत द्विवेदी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस शिक्षा विधि प्रकोष्ठ में सुजीत पदाधिकारी रहे हैं और अब उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज खजुराहो लोकसभा के पन्ना जिले के सहानगर मंडल के 25 सदस्यों में जनपद के 21 सदस्य हमारे जो अध्यक्ष हैं वहाँ आशीष खरे जी, उनके साथ नगर जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष और 21 सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक एक बूथ पर खजुराहो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय का परचम फहराएगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और ये मेगा सदस्यता अभियान होगा 28 फरवरी तक, लेकिन शुरुआत कल हो चुकी है। कल तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। किस तरह की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति और खासतौर से 28 फरवरी तक एक मेगा ज्वाइनिंग कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में तमाम वो कांग्रेस से नाराज नेता हैं, उन पर बीजेपी का फोकस रहेगा किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के को छोड़कर बीजेपी के साथ दामन थाम है। और यही कारण है कि हमने देखा पहले दिन बड़ी बंपर ज्वाइनिंग भी हुई, खासतौर से एक विधानसभा की पूर्व उम्मीदवार एकता ठाकुर साहेपुरा से वो शामिल हुई। इसके साथ ही अजय सिंह यादव की बात हो, रामबाई यादव की बात हो, जो वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। और देर रात 20 से 21 जो अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि इस तरीके से ग्वालियर चंबल की क्षेत्र की बात करें, शारदा सोलंकी का नाम भी चल रहा है, उनकी बीजेपी नेता से मुलाकात भी हो चुकी है, तो बहुत जल्द वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। खासतौर से जो कांग्रेस के की वोटर्स हैं या बाकी आम की वोटर्स हैं उन पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 10% वोट बैंक और लोकसभा में उनको बढ़ाना है। तो अपने वोट बैंक के साथ साथ कैसे कांग्रेस के नाराज नेताओं को अपने साथ कर उनके जो दबाव वाले प्रभाव वाले क्षेत्र के लोग हैं, जनता की जनता है, उसको कैसे अपने पक्ष में करना है, ये बीजेपी की बड़ी रणनीति है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी वो नेता जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं यदि वो बहुत ज्यादा विवादित नहीं है तो उन्हें उनकी घर वापसी भी कराएगी, लेकिन विशेष फोकस उन की वोटर्स पर है और कांग्रेस के उन नेताओं पर जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। और यही कारण है कि हमने देखा पहले दिन अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारियों की ज्वाइनिंग हुई और आने वाले समय में और बीजेपी का फोकस यही रहेगा कि कांग्रेस के वो नेता जो एक छोटा मोटा जिनके पास वोट बैंक है उस सबको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में 10% वोट बैंक बढ़ाना है, इस पर बीजेपी का फोकस रहे। बिल्कुल, और लगातार बीजेपी 28 फरवरी तक इसको अभियान को चलाने वाली है, जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।